मेरे फोन पर एक ओटीपी आया है, आपसे बात करूं उससे पहले जरा सा ये ट्रांजैक्शन मैं क्लोज कर देती हूं। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके सामने अभी ये जो मोबाइल ट्रांजैक्शन किया है, दरअसल उसके जरिए कुछ सेकंड्स में ही मैंने एक शेयर खरीद लिया। लेकिन ऐसा सिर्फ मैं नहीं कर रही, बल्कि मेरी तरह देश में बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने कोरोना काल के बाद शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, रियल स्टेट तक में निवेश का रुख किया। और यही है हमारी आज की हार नहीं मानूंगा मैं खास पेशकश। नमस्कार, आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और आज के मुद्दे पर एक्सपर्ट रीजनिंग देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर महिला अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल जी। यामिनी जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। हम यामिनी जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं कोरोना के दौरान और उसके बाद किस तरीके से निवेश को लेकर पहले से और ज्यादा जागरूक और ज्यादा एक्टिव हो गई है महिलाएं। कोरोना ने जिस तरह लोगों की नौकरियां छीनी, बहुतों की सैलरी कम कर दी, मिला जुलाकर कोरोना ने जिस तरह की आर्थिक मुश्किल पैदा की, उसे देखते हुए दुनिया भर की महिलाओं में एक ट्रेंड देखा गया, और वो ट्रेंड है खर्च कम करते हुए निवेश बढ़ाने का। फाइडेलिटी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं ने डेढ़ साल में रिटायरमेंट फंड और स्टॉक मार्केट में 60% ज्यादा निवेश किया। निवेश के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 0.4% ज्यादा भरोसेमंद साबित हुई। निवेश के मामले में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा देर तक अपने स्टॉक्स होल्ड किए। 2018 तक 44% महिलाएं निवेश कर रही थी, 2021 में बढ़कर तादाद 66% हो गई है। तो रिपोर्ट आपने देखी, अब यामिनी जी के पास आपको लेकर चलेंगे। यामिनी जी से समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मानती। यामिनी जी, आपको क्या लगता है निवेश को लेकर ये जो कोरोना काल था उसके बाद जो महिलाएं हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को लेकर ज्यादा जागरूकता आई है? जी देखिए, जब भी कोई समय ऐसा आता है जिसमें अनिश्चितता होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कि महिलाएं ज्यादातर बचत की ओर जाती हैं और बचत को भी इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं उन्हें उसके ऊपर एक रिटर्न मिल सके। तो जो निवेश है, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, या रियल एस्टेट में हो, या किसी भी जगह पे है, कोशिश ये की जाती है कि बचत की जाए ताकि जो अनिश्चित काल है और जो समय बुरा जा रहा है उसके लिए कुछ बचाया जा सके। अच्छा, देखिए महिलाओं के लिए ये भी कहा जाता है ना कि भाई भविष्य की प्लानिंग को लेकर, भविष्य की सुरक्षा को लेकर महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा चौकन्नी रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन खुद इस मुद्दे को लेकर महिला आखिर सोचती क्या है, दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगियों ने जो महिलाओं से बातचीत की है उसके बाद आम महिलाओं की राय। कोरोना में हमें बहुत तकलीफ हुई, मतलब हमने बहुत तकलीफों से हम लोग सह गए। इसमें मेरे हस्बैंड को भी कोविड हुआ था, तो उस समय उनको भी हॉस्पिटलाइज वगैरह किया था, तो बहुत उनके लिए फाइनेंशियल में बहुत दिक्कत आई थी। तो मुझे एक समझ मिली कि हम लोग को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने अपना बिजनेस सेटअप किया, मतलब मैंने बिजनेस किया, स्टार्ट किया मैंने टेलरिंग का। फिर बिजनेस के बाद मैंने, मुझे ऐसे लगा कि मुझे अच्छी तरह से मुझे उसका स्कोप भी मिल गया, कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे अभी थोड़ा सा इधर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि पोस्ट का था, LIC का था, पर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा कि थोड़ा मैं म्यूचुअल फंड में करूँगी तो मुझे थोड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। फिर मैंने 3-4 जगह इंक्वायरी भी किया तो मुझे उसमें अच्छी जानकारी मिली। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, मुझे म्यूचुअल फंड में ही करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करके मुझे अभी बहुत सारी अच्छी, मतलब फैसिलिटी तो अच्छा मिल रही है मुझे। सर, जैसे मेरे को सैलरी है तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हम करके, जैसे मेरे बिजनेस के लिए है, जैसे बिजनेस मेरा बेकिंग का है, तो जो भी मुझे लॉकडाउन में जो भी मैंने सीखा है बेकिंग के थ्रू, जो भी मैंने प्रोसेस की है, जैसे मैंने पेजेस एंड ऑल भी बनाया है इंस्टाग्राम पे, तो उस थ्रू मेरा बिजनेस भी बढ़ गया है। कि छोटा बिजनेस था पर अभी वो लॉन्ग टर्म में गया है और बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो भी सेविंग्स हो रही है, जैसे कि अभी म्यूचुअल फंड्स है और बिटकॉइन है, ट्रेडिंग करते हैं, तो उस हिसाब से हम उसमें इन्वेस्ट करती हूँ मैं एवरी मंथ। जैसे मेरा केक का जो भी आता है, जैसे मेरे सैलरी से जो भी आता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर इन्वेस्ट करती रहती हूँ, मंथली 500 हो या जो भी हो।
ऐसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट हो जाता है। एक्सपेंसेस से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम लोग की होनी चाहिए सैलरी में, ऐसा एक्सपेंसेस कम और इन्वेस्टमेंट ज्यादा, सेविंग्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में हम लोग करा सकते हैं। शेयर मार्केट भी मैंने सीख लिया, जो मैंने कभी किया नहीं था वो शेयर मार्केट मैंने लॉकडाउन में जीरोदा से अकाउंट खोल के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। म्यूचुअल फंड्स में जो पहले डाले थे उसको भी और मैंने ये किया लॉकडाउन में, ताकि थोड़ा सैलरी कम था लेकिन इन्वेस्टमेंट ही काम आई इसके लिए। बाद में जब सब अच्छी तरह से चालू हो गया उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर निवेश का मकसद क्या होता है, निवेश से उम्मीदें कितनी होती हैं, कोरोना ने जो स्थिति पैदा की उसने महिलाओं को कितना परेशान किया, कितना दिक्कत में डाला, ये सब कुछ एक तरीके से इस ट्रेंड से सामने निकल कर आ रहा है। यामिनी जी, ये जो महिलाओं में ट्रेंड देखा जा रहा है इन्वेस्टमेंट को लेकर, जिस तरीके से महिलाएं ज्यादा जागरूक, ज्यादा बढ़ चढ़कर निवेश में हिस्सेदारी महिलाओं की। जी देखिए, एक तो इस ट्रेंड को थोड़ा ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि कितने लोगों को सर्वे किया गया और कितने लोगों से रिस्पॉन्स लिया गया। देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो जो है एक बचत का भाव रखती हैं किसी भी ऐसे समय में जहां पे भी मुश्किलें बढ़ जाएं। कोरोना काल में क्योंकि महिलाओं की जो अनपेड केयर है, जिस फैमिली को संभालना है या अपने बच्चों को संभालना है या और चीज़ें संभालना है, वो बढ़ गई हैं और उनकी जॉब्स भी खासी असर हुई हैं। उनके पास निवेश एक ऐसा जरिया बन जाता है जिससे वो आगे के अपने भविष्य को संभाल सकें। तो स्टॉक मार्केट में निवेश करके पैसा कमाना या फिर रियल एस्टेट में पैसा डाल करके फिर वहाँ से पैसा कमाना, या जिन्हें हम कहते हैं कमेटीज डालना इनफॉर्मल सेक्टर में, उन्हीं तरीकों से जो है महिलाएं अपने घर को चलाने की कोशिश करती हैं और कुछ बचत करके, चाहे वो अपने आदमी को बिजनेस के पैसे देना चाहें वो देती हैं, या आगे अपना कोई व्यापार करना चाहें उसके लिए पैसा जोड़ती हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। दरअसल इसी पर मुझे लगता है हमें आगे ज़रा विस्तार से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के निवेश को लेकर जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ जेनरिक तौर पर हमें बात नहीं करनी है, बल्कि महिलाएं जब निवेश कर रही हैं तो उम्र के आधार पर क्या तस्वीर उभर कर आ रही है और इन्वेस्टमेंट चॉइसेस महिलाओं के किस तरीके के हैं, जिसका कुछ यहां पर जिक्र अभी यामिनी जी ने भी किया, इस पर जरा एक रिपोर्ट देखिए। नए महिला निवेशकों में 71% 20 साल से 22 साल की उम्र वाली, नए निवेशकों में 67% 25 साल से 45 साल की उम्र वाली, नए निवेशकों में 62% 45 साल से 60 साल की उम्र वाली। निवेश को लेकर जो मिलेनियल्स हैं उनका रुझान किस तरह ज्यादा स्टॉक में, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो या फिर रियल एस्टेट किस तरफ है, ये भी जान लेते हैं अब महिलाओं के मुताबिक जो उनकी राय सामने आई। थिंक मोस्टली मोस्ट ऑफ द यंगर जनरेशन इज यू नो इंक्लाइन टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट। आई थिंक स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, उसमें बहुत सारी यू नो जैसे इंट्राडे है, आप बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो कर सकते हैं। हाँ, रिस्क फैक्टर तो उसमें है, उसके लिए आपको यू नो बुक्स पढ़नी है, आपको फाइनेंशियल एक नॉलेज लेनी है, उसके बाद यू कैन यू नो स्टार्ट विद योर स्टॉक मार्केट थिंग। अभी रिस्क फैक्टर तो सब में होता ही है, बट स्टिल वी हैव टू, मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करके रखना ही चाहिए फॉर मतलब टू फेस दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस सच एज कोविड, ताकि हम लोग आगे चलकर भी इंडिपेंडेंट रहे, कुछ चीज़ें हमें अफेक्ट ना करें। देखो लॉकडाउन में एक्चुअली जैसे सर्वे को बताया गया था ना, तो रियल इस्टेट में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था प्रॉपर्टी में भी, लेकिन मेरे ख्याल से तो यंगस्टर्स ने ज्यादा सेविंग्स म्यूचुअल फंड्स में करने चाहिए, क्योंकि वहां पे रिस्क फैक्टर बहुत कम है। शेयर मार्केट में कैसे आपको पूरा दिन ध्यान देना पड़ता है वहां पे, या तो फिर हफ्ते में देखना पड़ता है कि कौन सा शेयर किधर है, स्टडी करना पड़ता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कैसे आप एक बार डाल के फिर बाद में ध्यान भी इतना नहीं गया आपको तो भी चल सकता है म्यूचुअल फंड्स में। और गोल्ड तो नॉर्मल पहले से ही आता रहता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे, तो अभी बॉन्ड्स गोल्ड बॉन्ड्स भी आ गए हैं। अगर आपको फिजिकली नहीं चाहिए गोल्ड तो वो फिजिकल हम लोग बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं गोल्ड के, और पेपर पे रहेगा वो जो गोल्ड रहता है वो भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें से। यामिनी जी क्या कहती हैं आप, आज युवा मतलब ये जो 20 से 22 साल उम्र की महिलाएं हैं ज्यादा इन्वेस्टमेंट कॉन्शियस नजर आ रही हैं, आपको क्या लगता है ये जो न्यू एज वुमेन है, ये खासतौर से जो कोरोना क्राइसिस हमने देखा उसे बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसी वजह से फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर महिलाएं जो हैं वो ज्यादा जागरूक हो गई हैं, अपना फ्यूचर वो सिक्योर करना चाह रही हैं।
कि देखिए आपकी महिलाएं जो से 25 साल की उम्र में हैं, वो ज़्यादातर ऐसी महिलाएं हैं जो जागरूक हैं अपने भविष्य को लेकर के, वो जागरूक हैं अपने आर्थिक पोजीशन को लेकर के, वो कोशिश कर रही हैं वो किसी तरीके से अपने आप को भविष्य में एक सुरक्षित भविष्य दे सके, और उसके लिए वो चाहे तो किसी वर्ग में कार्य करना हो या जैसे जॉब्स हैं वो करके, या फिर निवेश करके, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, रियल एस्टेट में हो, इन सब में निवेश करके कुछ पैसा कमाना चाहती हैं और बचाना चाहती हैं। वो जानती हैं कि उनके जो पैसे हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं, उनके बच्चों के लिए या उनकी फैमिली के लिए आगे आकर के फायदा करेंगे। और क्या इसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि अब निवेश करना बहुत आसान हो गया है, जिस तरीके से अभी शो शुरू होने से पहले मेरे मोबाइल में ओटीपी आया और मैंने खुद स्टॉक में इन्वेस्ट किया, तो सब कुछ आप इस मोबाइल से कर सकते हैं, सब कुछ हाथ में मुट्ठी में। जी देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है जिसे कहते हैं हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस, ई बैंकिंग, नेट बैंकिंग, जिसकी वजह से, या फिर प्रोग्राम ट्रेडिंग, जिसकी वजह से हम किसी भी जानकारी को इंटरनेट के माध्यम से साझा कर सकते हैं, उसी के माध्यम से किसी भी महिला को किसी भी व्यक्ति से बात करे बिना अपना निवेश करने की जो है क्षमता देता है वो, और वो उसी क्षमता के आधार पर अपने डिसीजंस ले सकती है और कभी भी पैसा डाल सकती है और पैसा निकाल सकती है अपने बैंक से भी, चाहे वो कहीं पे भी खर्च करना चाहे ई कॉमर्स के माध्यम से, चाहे वो किसी व्यक्ति पे निवेश करना चाहे या किसी को देना चाहे या स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहे, इसी इन्हीं माध्यम से ये जो महिलाओं का बढ़ चढ़ करके निवेश में आना हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो सेफ फील करती हैं कि उन्हें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो संकोच था वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यामिनी जी। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यामिनी जी कह रही थी कि तकनीक के आने की वजह से महिलाएं जो हैं वो खुद को ज़्यादा सक्षम, ज़्यादा समर्थवान पा रही हैं, और इसी वजह से निवेश की तरफ ये महिलाओं का रुझान जो बढ़ा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।